हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप सभी को मालूम है कि कोरोना की वजह से अभी ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 8-10 महीने से बंद था। मैंने तो ऑलमोस्ट 1 साल तक ट्रैवल नहीं किया अभी। तो अभी थोड़ा जो अनलॉक 4 जो अभी हुआ है, इसमें थोड़ा ट्रैवलिंग रूल्स में थोड़ा ढील दी गई है। तो इसलिए मैं कल सुबह 4 बजे निकल रहा हूँ कोरापुट, एक हिल स्टेशन है उड़ीसा का, और भुवनेश्वर से अबाउट 480 किलोमीटर्स है। तो मैं मेरा गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ये मेरा रोड ट्रिप होगा और मेरा फैमिली का साथ होगा और ये मेरा 4 दिन का ट्रिप है। तो इसमें क्या है, मेरा ये जो ट्रिप है ये बहुत ही अनप्लान्ड ट्रिप है। क्या ये ट्रिप में मैंने कोई होटल बुकिंग नहीं किया, इवन आई हैव नॉट डिसाइडेड वेयर टू स्टे। तो कोरापुट में मैं कौन सी जगह पर रहूँगा, जैसा कोरापुट में भी रुक सकता हूँ, नहीं तो सुनाबेड़ा, जयपुर, कहीं भी रुदामन जोड़ी, बहुत सारे स्टेशन है, जगह हैं जो नज़दीक में है, वहाँ भी रुक सकता हूँ। लेकिन मैंने फाइनल नहीं किया इसलिए कि वहाँ जाके पहुँचने के बाद पता चलेगा कि कौन सा कंफर्टेबल है, कहाँ रुकने से जो मेरा जो डेस्टिनेशन है, जहाँ मेरे को विजिट करना है वो कहाँ से नज़दीक होगा। तो मेरे पास अभी काफ़ी ऑप्शंस है क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, इसलिए सब होटल मेरे को मिल जाएगा, एक चीज़ वो है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं वहाँ पहुँचने के बाद फिर मेरा एक प्लानिंग है एक नेबरिंग स्टेट में जाने के लिए। तो वहाँ पहुँच के मैं डिसाइड करूँगा वेदर आई कैन गो टू दैट स्टेट और नॉट, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में फिर डिफरेंट रूल्स लागू होता है, तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो ये ट्रिप मेरा स्टार्ट होगा कल सुबह 4 बजे और मेरे हिसाब से ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप मेरे साथ भी ट्रैवल करिए क्योंकि ये हिल स्टेशन है, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन वंस आई पोस्ट माई वीडियोज। तो चलिए कल सुबह आपसे मिलते हैं रोड ट्रिप। हमारा भुवनेश्वर से कोरापुट का रोड ट्रिप अभी सुबह स्टार्ट हुआ। तो कुछ 25-30 किलोमीटर आने के बाद हमको बहुत ही शानदार सूर्योदय देखने को मिला। तो हम यहीं पे 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिए एंड वी विटनेस्ड ए स्पेक्टैकुलर सनराइज। उसके बाद हम निकल पड़े तप्त पानी की तरफ। हम भुवनेश्वर से अभी 225 किलोमीटर आ चुके हैं एज पर प्रोग्राम, जो 4 बजे भुवनेश्वर छोड़ने का था, थोड़ा लेट हो गया। पाँच बजकर 10 मिनट पर हम लोग छोड़े भुवनेश्वर। तो अभी तप्त पानी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, अबाउट 5-6 किलोमीटर्स है। रास्ता बीच में रास्ता भी अच्छा नहीं था तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि भुवनेश्वर बरहमपुर का जो नेशनल हाईवे 16 है उसमें काम चल रहा है अभी, तो ये रास्ता तो अच्छा है। तो चलिए तप्त पानी में थोड़ा रुकेंगे, वहाँ आपको दिखाते हैं तप्त पानी का, अगर खुला होगा तो कैसा व्यू है क्या है। तो हम अभी आके पहुँच गए हैं तप्त पानी में, जो भुवनेश्वर से 225 किलोमीटर दूर है और मेरे को 4 घंटा का टाइम लगा। और अभी 3 किलोमीटर घाट रोड चढ़ने के बाद हम आगे तप्त पानी हॉट स्प्रिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। अभी मैंने जो आपको दिखाया है वहाँ नहाने का कुछ अरेंजमेंट किया है लोग, तो वो जो हॉट स्प्रिंग है उसमें जो पानी निकलता है वो वैसा उसी टंकी में जाके उसी के बाद फिर निकलता है, तो वहीं पे नहाने का व्यवस्था है। मैं आपको तप्त पानी का माहौल दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत माहौल है। मंदिर रह गया वहाँ, मैं थोड़ा पीछे आ गया हूँ, अब आपको दिखाता हूँ माहौल।
चलिए अभी निकलते हैं। एक्चुअली भुवनेश्वर से कोरापुट जाने के लिए दो रूट है, एक भुवनेश्वर श्रीकाकुलम होके सालूर घाटी होके आप चले जाएंगे, लेकिन मैं वो रास्ता नहीं ले रहा हूँ, मैं दूसरा रास्ते ले रहा हूँ। जैसा भुवनेश्वर से बरमपुर होके मैं अभी आया हूँ तप्तपाणी, और तप्तपाणी से मैं जाऊँगा रायगढ़, रायगढ़ से फिर मैं निकल जाऊँगा कोरापुट। तो आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है, और आपको और भी थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ उड़ीसा टूरिज्म का एक पंथ निवास भी है, आप चाहे तो वहाँ जाके रुक सकते हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं, और यहाँ रुकेंगे नहीं, नहीं तो फिर कोरापुट पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत अनप्लान ट्रिप है, मैंने कोई होटल वोटल बुकिंग नहीं किया, तो वहाँ जाके पता करके कहाँ पे मैं रुकूँगा वो देखना पड़ेगा, या कोरापुट में रुकूँ या जयपुर या सुनाबेड़ा, या वहाँ जाके करना पड़ेगा, तो थोड़ा अर्ली पहुँचना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। घर से नाश्ते लाए थे तो तप्ता पानी से थोड़ा आगे गाड़ी पार्क करके यहाँ खाना खा रहे, रोटी आलू की सब्जी फिर पूरी, बहुत अच्छा है। ये हो गया मोहना, एंड दिस इज स्टेट हाईवे नंबर 17, और यहाँ से रायगढ़ है 140 किलोमीटर। So now we have already crossed Raigad, which is about 387 kilometers from Bhubaneswar. We crossed Raigad at about 1:50 p.m. Now I am proceeding to Deomali, the highest peak of Orissa. This is about 140 kilometers from this place. So I think it will take 2.5 hours or 3 hours max. So, वहाँ sunset देखने का इरादा है। मैं सोचता हूँ कि वहाँ पहुँच जाएंगे time पे। तो चले चलते हैं, अभी घाट रोड चल रहा है, अभी घाट चढ़ रहा है। घाट चढ़ने के समय रास्ते में गाड़ी रोक के कुछ मक्का और पपिया खरीदा। বর্ষা হেলা अभी पूरा बारिश चालू हो गया है, आप देख सकते हैं कितना जोर से बारिश हो रहा है। हमें एक्चुअली जाना है देवमाली,
तो अभी सोच रहे हैं कि इतना बारिश में जाके करेंगे क्या, तो देखते हैं थोड़ा आगे जाने के बाद अगर थोड़ा बारिश कम हुआ तो देवमाली जाएंगे, नहीं तो फिर कोरापुट शिवलीगुड़ा या नहीं तो दामन जोड़े कहीं भी उठेंगे, क्योंकि इतना जोर बारिश में जाके कोई फायदा नहीं देवमाली, हम तो उतर ही नहीं सकते गाड़ी से। जब हमारा गाड़ी देवमाली की तरफ बढ़ रहा था तो मौसम का खेल देखने लायक था, कभी धूप कभी बारिश, हर 15 मिनट में मौसम अपना करवट बदल रहा था, तो हमें मन में डर था कि कहीं देवमाली पहुंचते पहुंचते अगर बारिश हो गया तो हमारा ये ट्रिप खराब हो जाएगा। देवमाली पहुंचने के लिए 30 से 35 किलोमीटर रास्ता बाकी था तो मौसम का मिजाज बदलने लगा, थोड़ा आसमान साफ दिखने लगा, आकाश में बादल थे लेकिन कोई बारिश वाला बादल नज़र नहीं आ रहा था, तो रास्ते में जो नज़ारा देखने को मिला वो देखने लायक था। मानसून का समय एक बार देवमाली आना चाहिए, बिकॉज आई थिंक देवमाली लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट इन मानसून सीजन। विंटर में ऐसा तो देवमाली का ब्यूटी है लेकिन मानसून में शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम घाटी चढ़ते चढ़ते जाके देवमाली का जो एंट्री गेट है वहाँ पे पहुँचे। देवमाली का गेट का पास बोर्ड नहीं था इसलिए हम गलत रास्ता में 2-4 किलोमीटर आगे चले गए, फिर वापस आके देवमाली तक पहुँच गए। भगवान का शुक्र है कि मौसम अच्छा हो गया था। तो फाइनली मैं देवमाली पीक में पहुँच गया। आप देख सकते हैं पूरा बादल छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ आया था सनसेट देखने के लिए, तो बीच में तो बारिश हो रहा था, बारिश बंद हो गया, लेकिन पूरा दिखे, पूरा ये व्यू पॉइंट है, ऐसा यू ये व्यू पॉइंट है। ये देवमाली जो है ये उड़ीसा का हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब इसका देवमाली का हाइट है 5,500 फीट, और ये जितना माउंटेन पीक है उड़ीसा में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और ये जो ड्राइव जो हमने किया कुंडली से यहाँ तक, तो ये कमाल का सीन था, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। आप नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जो भी उड़ीसा में रहता है और बाहर भी रहता है कभी उड़ीसा में आएंगे तो ये जगह में एकदम आके देखना चाहिए, कमाल की जगह है, जस्ट सिंपली अमेजिंग।
देवमाली से सीधा हम आए सिमलीगुड़ा, जहाँ मैंने होटल लिया। यहाँ कुछ कोविड फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम गए होटल के अंदर। यहाँ एक तो 3-बेडेड रूम, एसी रूम मेरे को पड़ा 2000 रुपीज़। होटल वाले ने एक एक्स्ट्रा बेड देने का भी वादा किया। होटल अच्छा था, तो यहीं पे मैं मेरा ब्लॉग क्लोज करता हूँ। मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।